और फर्स्ट वी डिड दिस क्वेश्चन, अगर हमने स्प्रिंग को दो पार्ट में कट किया, इनिशियली इट वाज हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड लेंथ एल, इफ वी कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अनइक्वल पार्ट्स, 2L/3 एंड L/3, व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट. तो फॉर एनी इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग वी हैव दिस रिलेशन, के इनटू एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड स्प्रिंग कांस्टेंट गोज अप. In this case, both will have the more spring constant. Original का k, answer will be more than k. तो क्या इसको हमने equate कर दिया for first part, k1 l1 and original length जो है उसका k into l से equate कर दिया. If this type of relation is there, so we can break it into 1 and 2. So this side 1 and this is original in fact spring. k1 l1 length कितनी दी है, 2L/3 put कर दिया, ये original length है. Original spring है, उसके साथ equate कर दिया, LL getting cancelled. So K1 is 3/2. Can you see this coefficient is inverted. 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया. जो coefficient है वो invert कर दो. That will be the spring constant of each spring constant. इसमें 1/3 है, तो 3/1 आ जाएगा. So from this logic only, K2 L2 is equal to KL. L2 is L/3. LL getting cancelled. So K2 is 3K. Shorter the length, more is the spring constant. All right. So this we did later on. We did this energy in the simple harmonic motion. It will be total energy will be sum of KE and PE. Kinetic energy is half mv square. Velocity in simple harmonic motion is given by this. Putting this value and squaring, we get this. And potential energy of the spring is half kx square. We have done it in the work power energy derivation. So ye itna aata hai. So you can just follow the derivation from there. If it is asked in this chapter, you have to derive it. वहां से आपको कॉपी करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है. बट टोटल एनर्जी के लिए यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस. वी कैन, अगर ओनली पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता है, देन यू हैव टू डेराइव इट. अदरवाइज यू कैन फॉलो दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस. तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होती है, बिकॉज यस्टरडे वी हैव सीन ओमेगा वाज अंडर रूट ऑफ के बाई एम. यहाँ से के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर पुट कर दी हमने, एक्स स्क्वायर एज इट इज, दोनों को ऐड कर दो, है ना. एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए स्क्वायर वाला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. बट एम ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट ए के ओनली, तो इट इज कॉन्स्टेंट. इन फैक्ट कॉन्स्टेंट इन द रिगार्ड कि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन के एंड डिपेंड्स अपॉन ए ओनली. इफ दीज आर चेंजिंग देन टोटल एनर्जी विल चेंज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एक्स. एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, पोजिशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. एंड मास, ये टर्म्स तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, है ना. एंड ग्राफ इज लाइक दिस, पोटेंशियल मीन पोजिशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. यहाँ पे देखो हम लोगों ने एनर्जी, ऑल थ्री एनर्जीज आर इंडिकेटेड ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमने पोजिशन दिखाई एक्स. When the particle goes, particle is crossing the mean position, उसकी kinetic energy maximum रहेगी. और जैसे जैसे extreme point पे आएगा, kinetic energy will drop and potential energy will increase. Left side में भी since terms are squared, तो इसलिए energy negative नहीं हो रही. इधर x की value minus x हो जाएगी, but दोनों में square है, तो minus will get square will become plus. तो potential energy ऐसे बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी. दोनों को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगी टोटल एनर्जी का लाइन, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. एक्स बढ़ने से ये नहीं बढ़ या घट रहा है, ये वैल्यूज चेंज हो रही है, एक वन इज गोइंग अप, अदर इज कमिंग डाउन, बट टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. माई क्वेश्चन वाज दिस, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये वाला देखो. एट वन पोजिशन बोथ एनर्जीज आर इक्वल, हमने इक्वेट कर दिया दोनों को और सॉल्व किया यहाँ से. दोनों के फार्मूले लिखे हमने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल, और ये इधर बचेगा, इधर एक्स बचेगा, एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस 2x स्क्वायर हो गया. एक्स के लिए सॉल्व किया, प्लस माइनस ए बाय रूट टू. तो लेट्स सी इन द ग्राफ, ये जो अभी हमने ग्राफ बनाया था, कहाँ पे ये लोकेशन है, पार्टिकल कहाँ पर होगा. देखो यहाँ पर होगा,
ये पॉइंट, दिस डिस्टेंस, ये एक्स जो है ए बाय रूट टू लेफ्ट साइड में और इधर माइनस ए बाय टू. इट इज नॉट द मिडवे, मिडवे पे इक्वल नहीं होती, इट इज अहेड ऑफ मिडवे. ए बाय रूट टू इज 0.7 ए और मिड मिड मिडवे पर ए बाय टू. यहां पर क्या होगा देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी मोर है, तो यहाँ पर रेशियो 3:1 आता है. पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होती है ए बाय टू पर, यू कैन चेक इट. पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी एंड दिस एनर्जी 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड बोथ एडेड विल बी फुल. ठीक है, मिडवे पर ए बाय टू पर मिडवे ऑफ द एम्पलीट्यूड काइनेटिक एनर्जी इज मोर, दैट इज 75% ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली 25%. और थोड़ा आगे जाते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वल होती है ए बाय रूट टू पर. गॉट इट? यस सर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? तो ये हो गया आपका. अच्छा, टुमारो विल नॉट हैव द क्लास, टुमारो इट इज हॉलीडे फॉर फिजिक्स एटली. केमिस्ट्री का मैम विल टेल यू, फिजिक्स का क्लास नहीं है कल. ठीक है, and Saturday we don't have it, so Monday we'll have that class and prepare for this chapter. Abhi is chapter ka aapka test hoga, ye Monday chhod ke next Monday ho sakta hai, because by Monday we'll finish it in the next two lectures. Monday Tuesday tak finish ho jayega ye, Tuesday tak. So you can prepare for test for next Monday. All right, beech mein do din, almost it is over, 70% of the chapter is over, do lecture mein khatam ho jayega. तो मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, लिविंग दिस मंडे, ट्यूजडे तक फिनिश कर देंगे इसको. तो कैन यू नोट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ये वाला. इसमें देखो फिगर इज नॉट रिक्वायर्ड, फिगर वही है जो अपना अभी हम लोग ऊपर देखा. द ब्लॉक हैज द काइनेटिक एनर्जी 3 जूल्स एंड स्प्रिंग हैज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल्स व्हेन द ब्लॉक इज एट x इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर. The right side mein mean position se. What is the kinetic energy when the block is at x is equal to 0 mean position par? What will be answer of this A part? Plus by the same by root 2. Nahin. They are asking kinetic energy. Sir, will it be 5 joules? Because that will be टोटल एनर्जी इतनी रहने वाली है. तो क्या होगा मीन पोजिशन में, क्या होगा एट मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाती है मीन पोजिशन पे. And तो kinetic energy, तो फिर kinetic energy will be total 5 joule only. अगर एक energy, kinetic energy तो मतलब total energy check करके देखेंगे, दोनों add कर दो, 0 plus 5 is equal to 5, तो 5 joule energy रहेगी सब जगह. देखो यहाँ पे देखो दोनों add हो जाती किसी भी point पे, यहाँ कहीं पे उन्होंने दिया है 2 joule एक energy है, 3 joule दूसरी है, दोनों add हो गई 5 हो गई. तो यहाँ पर मीन पोजीशन पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, देखो ये इसका ग्राफ नीचे आ गया. तो होल ये काइनेटिक एनर्जी टचिंग टू द टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, मतलब मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी. एक्सट्रीम पोजीशन पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी है. देखो ये पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट मीन पोजीशन, दैट इज एट x इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. और एक्सट्रीम पोजीशन पर एट x इज इक्वल टू a, एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर. ये भी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी. वही तो एनर्जी फ्लक्चुएट, टोटल एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, ये दोनों का मिला के टोटल एनर्जी बनना है.
एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी. Therefore, spring force is conservative force. One energy converts into other. एक जीरो हो गई तो दूसरी पूरी टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती. That's what is the conservative forces. Are you getting this point? Conservative forces में क्या होता है? जैसे हमने ऑब्जेक्ट को नीचे ग्रेविटी में गिराते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती, काइनेटिक में काइनेटिक बढ़ जाती है. ऐसे इसमें भी एक एनर्जी बढ़ेगी दूसरी घटेगी, एंड वैसे वर्षा यही होता रहेगा. ठीक है, तो रीड दिस क्वेश्चन. अभी बाकी पार्ट भी है तो ये मैं जस्ट, ठीक है अभी जस्ट मैं इसको, यू थिंक योर सेल्फ एंड ट्राई टू राइट द आंसर. जस्ट आई विल वाइंड अप, इसको मैं थोड़ा और पढ़ लूँ, कुछ चेंजेस करना है तो. बिकॉज व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन ब्लॉक इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ब्लॉक इज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू सेंटीमीटर ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स एम. एक्स एम क्या होता है? ए. ए को इन्होंने एक्स एम लिया तो एम्पलीट्यूड कर दो. हम लोगों ने सिंबल एम्पलीट्यूड लिया तो माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब जब पार्टिकल यहाँ पे लेफ्ट में माइनस टू सेंटीमीटर इधर होगा और एक यहाँ पर, जब यहाँ पर आ गया तब. नाउ थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, टेक द पिक अप दिस क्वेश्चन एंड वील डिस्कस ऑन मंडे. वील डू द पेंडुलम ऑन द मंडे. पेंडुलम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें भी थोड़ा रह गया एनर्जी का, आई विल टेल यू ऑन मंडे. टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में हम टाइम वाला फंक्शन पुट कर देंगे. एंड रिजल्ट सेम आएगा, टोटल एनर्जी सेम आ जाएगी टाइम वाले फॉर्मूले से भी. ऑलराइट, तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, डू योरसेल्फ एंड वी विल डिस्कस ऑन मंडे. Any difficulty to anybody? Sir, I had a very basic question about kinetic energy and potential energy.